साथियों ये देखिए, किसी को चाहिए ये इलायची का नर्सरी तो सर के पास उपलब्ध है। सर पर प्लांट कितना प्राइस? 60 रुपया ना, नल्याणी ग्रीन गोल्ड। खेती कैसे करते हैं सर? ये खेती 6 फीट है डिस्टेंस है ना। ओके ये हाँ सर, इसका प्लांटिंग करने का सीजन कौन सा है? सीजन ये करेक्ट सीजन है ना? ये करेक्ट सीजन हाँ। है जून जुलाई अगस्त सितंबर। वो अच्छा रेट में सेल कर सकते हैं? तो 3000 में रेट सेल करता हूँ। अच्छा साथियों नमस्कार, आज हम जिस फार्मर के पास आए हैं वो नेचुरल फार्मिंग करते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रॉप की खेती करते हैं, जैसे कि बहुत महंगे में बिकने वाला ये इलायची है। ये इलायची की फ्लावर देखिए कितना ब्यूटीफुल है दिखने में, देखना हाँ कितना ब्यूटीफुल है ये इलायची। ये नल्याणी ग्रीन गोल्ड है वेराइटी। अच्छा ग्रीन गोल्ड है ये? हाँ नल्याणी ग्रीन गोल्ड। नल्याणी ग्रीन गोल्ड हाँ। Okay. सभी ज्यादा वेरायटी हाँ? 1 kg 3000 रुपये ऑर्गेनिक। हाँ ऑर्गेनिक के ने सभी। अच्छा 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 कंप्लीट शेड क्लाइमेट है ना। अच्छा ये शेड क्लाइमेट में फार्मिंग कर? हाँ शेड क्लाइमेट। ये सभी स्पाइसेस आइटम से पूरा शेड कंप्लीट। ये मैंगोस्टीन कंप्लीट शेड आइटम। ओके लवंगा मीन क्लोव शेड आइटम। ओके ये इलायची शेड आइटम। ओके जायकाई शेड आइटम। शेड आइटम सभी। क्या है सर का कहना ये है कि जो भी ये मसाला का पदार्थ है इसको खेती करने के लिए इंटरक्रॉप में खेती करना है, डायरेक्ट सनलाइट में इसका खेती नहीं हो सकता है, इसके लिए शेड चाहिए, दूसरे पौधों के बीच में इसको खेती करना चाहिए। इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए सर? 31 or 32 परवा नहीं। अच्छा अच्छा 31 से 32 के टेम्परेचर जिस इलाके में रहता है उस इलाके में ही इसकी खेती करें, तभी जाके इसका उत्पादन अच्छा आएगा और इसको अच्छा रेट में भी आप सेल कर सकते हैं। इसका देखिए जीवामृत है ना, फ्लावर भी देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अच्छा ये आप जीवामृत यूज करते हैं? जीवामृत देखना, जीवामृत है। जीवामृत कितना दिन में स्प्रे करते हैं सर आप? हाँ जीवामृत है 7 days का कंप्लीट करता हूँ, मैं वो 10 days को पूरा ड्रम से कंप्लीट करता हूँ। इलायची है, इसको हाँ। खेती कैसे करते हैं सर? ये खेती 6 feet to 6 feet है डिस्टेंस है ना। ओके ये 1.5 feet है। 1.5 feet इसको गड्ढा खोदना? गड्ढा खेना। ओके गड्ढा गायन का गोबर है 10 kg। गाय का गोबर 10 kg? सभी गायन गोबर नहीं है। ओके 2 kg वर्मी कंपोस्ट। साथियों अगर आप इलायची की खेती करना चाहते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है 6 feet से 6 feet डिस्टेंस रखना है और लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो 9 feet रखना है, और इसकी जो प्लांटिंग करेंगे उसको 1.5 feet by 1.5 feet का गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे में जब खाद देंगे उसको क्या है, अगर आप गोबर देना चाहते हैं तो 10 kg गोबर चाहिए, अन्यथा आपको 2 kg वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और उसको नए मिट्टी के साथ जो दूसरी मिट्टी के साथ अच्छा मिट्टी के साथ उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उस गड्ढे को भर दें और 200 ग्राम नीम का पाउडर दें तो उसके क्या है रोग मुक्त दूसरे जीवाणु उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि आपको पहले ही बताया था इसको क्या है कि 70% शेड चाहिए तभी जाके ये फसल की उत्पादन हो सकता है, और टेम्परेचर 35 के नीचे होना चाहिए। टेम्परेचर 30-32 होने से अच्छा है, ज़्यादा टेम्परेचर में इसकी खेती होना संभव नहीं हो पाता है। तो आप कौन से एरिया में रहते हैं ये ध्यान रखें और उसके हिसाब से ही ये प्लांट की प्लांटिंग करें, तभी आपको इसका इलायची की खेती संभव हो पाएगा। हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा कैसा जो नर्सरी है जिसको आप प्लांटिंग करेंगे कौन सा साइज है वो भी हम आपको थोड़ा दिखा दीजिए। वो जो नर्सरी है इलायची का वो कैसा है लगाना, वो थोड़ा फार्मर को दिखा देंगे हम। ये है साथियों तुम्हारा इंटरेस्टिंग इलायची। हाँ मैं सार से पूछ रहा था कि ये नर्सरी चाहिए इलायची का ये प्लांट है। एक प्लांट है 2 or 6 months के पूरा जबरदस्त है। अच्छा अच्छा ये बड से पूरा ये भी स्टेम है ना। अच्छा अच्छा साथियों ये देखिए, किसी को चाहिए ये इलायची का नर्सरी तो सर के पास उपलब्ध है। सर पर प्लांट कितना प्राइस? 60 रुपया नल्याणी ग्रीन गोल्ड। अच्छा नल्याणी ग्रीन गोल्ड 60 रुपीज। 60 रुपये ये एक नर्सरी का है। अच्छा है, इसको प्लांटिंग करने का सीजन कौन सा है? बल्किंग क्वांटिटी है ना, कमी रेट का। हाँ सर इसका प्लांटिंग करने का सीजन कौन सा है? सीजन ये करेक्ट सीजन है। ये करेक्ट सीजन है जून जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा जून जुलाई अगस्त सितंबर क्लोज होगा। फोर मंथ प्लांटिंग कर सकता है।
इसका फ्लावरिंग कब आता, कौन सा सीजन में आता है? दो साल ये, दो साल दो मंथ में स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग नहीं, कौन सा मंथ में फ्लावरिंग स्टार्ट होता है? मंथ मंथ एक एक देखना। हाँ मैं देखा। हाँ करेक्ट टाइम है, ये टाइम में फ्लावरिंग आता। ओके रेडी, सभी करेक्ट रेडी आता। और ये जो इलायची है इसका जो हार्वेस्टिंग करना शुरू हो जाता है दो साल दो महीने तीन महीने के बाद इसका क्रॉप लेना शुरू हो जाता है। पहला टाइम थोड़ा कम आ सकता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और इसका जब क्रॉप आएगा उसमें क्या है, डायरेक्ट सनलाइट में धूप में इसको ना सुखाएं। ये जो इलायची है इसको डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं, इसको इलेक्ट्रिकल ड्रायर रहता है उसमें इसको ड्राई करना पड़ता है और उसके हिसाब से उसका क्वालिटी निकलता है। इलेक्ट्रिकल ड्रायर में आप ड्राई करेंगे तो उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा और आप मार्केट में भी अच्छे रेट में सेल कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर सार का एक्सपीरियंस है कि अच्छा रेट में गया है, 2000 तक रेट में गया है, 2000 2500 3000 तक भी किसी किसी जगह पे रेट हो जाता है। तो इस तरह का क्रॉप आप लें और अच्छा मुनाफा कमाएं। सर ये जो इलायची है इसमें आपके पास कौन सा वेराइटी है? हमारे पास में दो वेराइटी है। ओके कौन सा कौन सा? एक वेराइटी है SKP 46 है ना। ओके रेट पूरा कम ही है। अच्छा उसका रेट कम है? हाँ रेट कम है, पल है रेट कम है। ओके बट इलायची का बड़ा रेट है, बड़ा साइज प्लांट है ना नलियाड़ी ग्रीन गार्डन। अच्छा वो भी आपके पास है? हमारे पास में वो अच्छा रेट में सेल कर सकते हैं, 2-3 हजार में रेट सेल करता हूँ। अच्छा अच्छा ये इलायची SKP 46 है ना। अभी हॉट क्लाइमेट परवा नहीं सभी। अच्छा हॉट क्लाइमेट भी हो जाता है? ये नलियाणी ग्रीन गॉर्ड सभी हॉट क्लाइमेट परवा नहीं। अच्छा SKP है ना पूरा शेड है ना। अच्छा शेड बट SKP है ना मार्केट से कम रेट है ना। अच्छा मार्केट में कम रेट है, 1600 और 800 2000 में पूरा लास्ट होगा। लास्ट होगा बट नलियाणी ग्रीन गॉर्ड है ये भी ज्यादा रेट है। अच्छा वो ज्यादा रेट है? ज्यादा रेट है, सभी सनलाइट प्लांट है, सभी थोड़ा सनलाइट प्लांट है, ये भी सनलाइट प्लांट है। ओके थोड़ा सनलाइट प्लांट है, बिग साइज इलायची है। अच्छा अच्छा उसका साइज जो है बड़ा आता है? बड़ा है ना। ओके सर ये नल्याणी ग्रीन गोल्ड का वैरायटी है और इसका फ्लावर देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इसकी अगर खेती आप करेंगे तो आपके जमीन में आपके खेतों में दूसरा पौधा होना चाहिए, उसके बीच में ही ये इलायची की क्रॉप लगाएं। ये नल्याणी ग्रीन गोल्ड का वैरायटी है और ये देखिए इसका फ्लावर ऐसा है और इसकी अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको क्या है इंटरक्रॉप में लगाना पड़ेगा, तभी इसका क्रॉप अच्छा आता है और इसका उत्पादन भी अच्छा आप ले पाएंगे। दिन पे दिन इसका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, पहला साल कम आएगा, दूसरा साल तीसरा साल ऐसा बढ़ते जाता है। क्या है ना इसको आपको ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने से इसका उत्पादन अच्छा आता है। सार का ये देखिए ये जीवामृत है, जीवामृत देते हैं इसके खेतों में और इंटरक्रॉप में इसमें आर्केनाट कोकोनाट दूसरे दूसरे पौधों हैं उसी के बीच में ये इलायची का क्रॉप लिए हैं। और इसका उत्पादन लेने के लिए वही जैसे कि हमको बताया इसको मल्चिंग चाहिए, घन जीवामृत चाहिए, जीवामृत चाहिए और दूसरे पौधों के बीच में लगाएं तो शेड होगा। क्या है ना 70% इसको शेड चाहिए और 35% इसको धूप चाहिए, उससे ज़्यादा धूप में ये सहन नहीं हो पाता है, ये क्रॉप की उत्पादन अच्छा नहीं आ पाता है। और सार का प्लॉट में अभी देखिए दो दिन पहले बारिश हुआ था, आज थोड़ा मौसम डल है इसलिए क्या कितना सुंदरता से दिख रहा है, इसका टाइम अभी हुआ नहीं है, इसको दो महीने में तीन महीने में हार्वेस्ट हो जाएगा। इसका फ्लावरिंग भी है और ये फ्रूट भी है, ये देखिए ये इलायची है और इसको इसी तरह अगर अच्छा उत्पादन आएगा तो इसका क्वालिटी अभी अच्छा से आप मेंटेन कर पाएँ तो क्या है इसको 2000-2500-3000 तक भी सार का एक्सपीरियंस है कि इसका रेट मार्केट में सेल हो जाता है। तो ध्यान रखें इस तरह का क्रॉप आप खेती करें ताकि आप क्या है ना लाभवान हो सकते हैं। अभी दूसरा दूसरा क्रॉप के साथ इस तरह का भी क्रॉप लेंगे मुनाफा अच्छा कमा पाएंगे, किसान को बेनिफिट चाहिए तो इस तरह की क्रॉप लेना चाहिए। मान लीजिए कि सिर्फ सुपारी या कोकोनट लगाने से नहीं होगा, उसके बीच में आपको ये इलायची लगाएं और जायकाई लगाएं, जैसे सार ने ये सुरन लगाए हैं, इस तरह का क्रॉप लगाएं तो अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। इस तरह ड्राई मल्चिंग दें, ड्राई मल्चिंग नहीं होने से कम ये रो मल्चिंग भी दें और इनका मिट्टी देखिए कितना सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट है ना,
सॉफ्ट है, स्पंज स्पंज है। इसी तरह आपको क्या है ना, जमीन को उर्वरता बनाना पड़ेगा, और सिर्फ खुदाई करने से ही नहीं होता है, निदाई गुड़ाई से ही करने से ही नहीं होता है, हार्वेस्टिंग स्मेल ना, मिट्टी है ना, उर्वरता बनाना है। उर्वरता इसमें क्या है, इसमें केंचुए ज्यादा मात्रा में इसमें काम कार्यरत रहते हैं। क्या है कि ये सार क्या है, सार का फार्म आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इस तरह का आपको क्या है फार्म क्रिएट करना पड़ेगा। अर्कनाट है, कोकोनट है, एक कॉफी है, और ये हल्दी है, हल्दी के पास आपको ये इलायची है, सुरण है, यानी कि इसको ओल भी कहते हैं, ये कंद निकलता है, जिस तरह ग्रोथ होता है उस हिसाब से इसका प्रोडक्शन निकलता है। 5 kg, 7 kg सार का एक्सपीरियंस है कि 10 kg तक भी इसको एक एक सुरण में कंद निकलता है। ये अरिशना, चेके, सिनेमन, ओके, कार्डमम, सिनेमन, हवो, ये सुपारी, ये सुवर्ण गिड्डा, और ये साथियों ये सुरण है, इसको ओल भी कहते हैं। बड़ा बड़ा प्लांट है ना हमारे पास में, बड़ा पौधा है ना। हाँ, सुवर्ण पौधा छोटा स्मॉल पौधा नहीं है, हमारा पौधा है बड़ा। हाँ, आपसे भी हाइट ज्यादा हो गया। कितना साइज है ना हमारे पास में, देखना ये 10 kg फल है ना। अच्छा, जितना बड़ा होगा उस हिसाब से बड़ा भी निकलेगा, तो इसमें 10 kg निकलेगा। सुरण जो आपने लगाया है सर, इसको कितना दिन में हार्वेस्ट कर सकता है सर? 7 months से हार्वेस्टिंग करता हुआ, 7 months के हार्वेस्टिंग करता हुआ, 1 kg 60 rupees के सेल करता हूँ। 1 kg 60 rupees के एक प्लांट में कितना कंद निकलेगा? बड़ा साइज में ऑलमोस्ट 5 kg 6 kg है ना, ओके, स्मॉल प्लांट है 4 kg 3 kg है ना, बट एवरेज में हमारा एरिया हमें हो ऑर्गेनिक फार्म में, ओके, ऑर्गेनिक फार्म में होल्डर से फर्स्ट बुकिंग करता हूँ। ओके, अच्छा आपको पहले बुकिंग हो जाता है? हाँ, करेक्ट बोलता हूँ। तो इस तरह का क्रॉप लगाने से आप क्या है लाभवान हो सकते हैं, लाखों नहीं कई लाख तक आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान को क्या है ना, इस तरह की क्रॉप की खेती करने से ही बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं एक ही क्रॉप लगा दिए तो इससे आप ज़्यादातर लाभवान नहीं हो पाएंगे, कई तरह का वैरायटी का आपको क्रॉप लगाना पड़ेगा। ओके, फ्रूट लगाए, फ्रूट के बीच में इंटरक्रॉप में इस तरह का क्रॉप लगाए और बेनिफिट कमाए।